ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले चमनेर गांव में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का समापन हो गया। चमनेर गांव में शंकर शास्त्री के निवास स्थान पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें श्रीमद भगवान कथा का वर्णन पंडित रजनीश शर्मा द्वारा किया गया। कथावाचक द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। बच्चों का हाल सुना दे, मिश्रानी की बात बता दे। जब से विषय वासना मनुष्य के साथ जुड़ी तो मनुष्य चिंतन कम और चिंता ज्यादा करने लग गया, लेकिन जब दुखी होकर के भगवान की शरण में मनुष्य जाता है तो भगवान उसे अपने वैकुंठ में पहुंचा देते हैं और अपने जैसा बनाते हैं। कथा का सारांश ये है, कहते हैं कि सुदामा का जो चावल थे, 4 मुट्ठी थे, भगवान ने केवल 1 मुट्ठी चावल खाए थे। भागवत में 1 ही मुट्ठी चावल की बात आती है, वो इसीलिए खाए थे। अगर चावल नहीं खाते तो सुदामा की जो गरीबी की रेखा थी वो नहीं मिट पाती। भगवान ने खाया तो माने सारे ब्रह्मांड ने पा लिया, सबका पेट तृप्त हो गया, तो वो पुण्य मिला सभी ऋषि मुनियों को खिलाने का। भगवान ने तुरंत इतना ऐश्वर्य दिया जितना इस संसार में एक भक्त को दिया जा सकता है। कहीं कहीं पर व्यास जन पता क्या सुनाते हैं कि जी 2 मुट्ठी खाई, 3री रोक ली, अपने लिए भी रखो। अरे भाई, भगवान के पास कभी कोई वस्तु की कमी आ सकती है? भगवान जितना मर्जी बांट दे, भगवान के भंडार सदा भरे हुए हैं, वो कभी खाली होते नहीं। भगवान जितना बांटते हैं उतना भगवान के भंडार और भर जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सुदामा आए थे उस हालत में, गए भी उस हालत में, लेकिन आगे देखा तो सुदामा की जो झोंपड़ी थी वो तो बड़ा महल बन चुकी थी। सुदामा की पत्नी जो फटे पुराने कपड़ों में थी, चिथड़ों में थी, वो तो 16 सिंगार किए हुए। ये सब मेरे भगवान कृष्ण की कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे कृष्ण परम माधवम। आगे भगवान जी की संतति का वर्णन आता है, 1,61,080 पुत्र भगवान श्री कृष्ण के हुए और उनका जो यदुवंश है वो नाना प्रकार की लीलाएं पृथ्वी पर करता है। लेकिन जब भगवान ने सारे कार्य संपन्न कर लिए तो भगवान, मैंने कहा था, इस धरती के वासी नहीं है, वो वैकुंठ धाम के वासी है। तो भगवान ने जाना था, लेकिन जाने से पहले भगवान ने अपने सभी पार्षदों को पहले वैकुंठ भेजा, चाहे वो आपस में लड़े हों। वो तो गंधारी का शाप सत्य करना था कि जैसे गंधारी ने बोला था, हे कृष्णा, अगर तुम चाहते तो दुर्योधन मेरा कुल ही नष्ट हो गया। बोला आपस में ये बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, देखना एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे वंश वाले भी आपस में युद्ध करेंगे। और ये होना था। गंधारी भी एक पतिव्रता नारी थी जिसने, देखो, पति जब अंधा था ना तो अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली थी, बोला मैं भी संसार को नहीं देखूंगी, पतिव्रता। तो अभिमान वश वो सभी पार्षद भगवान के आपस में युद्ध करने लगे, वो तो लीला कर ली।